ये बात साल 2002 के एक किस्से पर मशहूर है, जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे अन्य बड़े देशों में भी मशहूर कर दिया था। मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव चंदावली, रात के 10 बजे थे। आज हवा काफी अच्छी चल रही है, मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, बारिश आ गई तो भागकर नीचे ही आना पड़ेगा। मुकेश छत पर गया और खाट बिछाकर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से उसे जल्द ही नींद आ गई। रात के अंधेरे में एक अजीब सी बला आसमान में काफी देर से उड़ रही थी। मुकेश बेखबर सोया हुआ था। कुछ देर बाद उसको अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई और उसकी आँख खुल गई। चांद की सुर्ख रोशनी में एक बेहद अजीब और भयानक दिखने वाली बला उसके सामने खड़ी थी। उसके चारों हाथ पैर काफी पतले थे, नाखून बहुत ज्यादा पैने थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और जबड़ा किसी भेड़िये के जैसा था। उसको देखकर मुकेश का दिल दहल उठा। उसने भयानक आवाज करते हुए मुकेश के मुंह पर अपना खतरनाक पंजा रखा और उसका मुंह नोच डाला। मुकेश ने खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके नाखून मुकेश के गाल और होंठ को फाड़ चुके थे। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर उसका खानदान और पड़ोसी जाग उठे तो सब मिलकर उसकी छत पर पहुंच गए तो सामने का मंजर देखकर उनका भी दिल दहल उठा। मुकेश जमीन पर बेहोश पड़ा था, उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। ये देखकर उसकी बीवी की चीख निकल गई। सभी को इंतजार था कि वो होश में आए और बताए कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन जब कुछ घंटों बाद मुकेश होश में आया तो वो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं था। अलीगढ़ का मल्हारी गांव, रात के 10 बजे लीना अपने छत पर खड़ी अपने बराबर वाले छत पर देख रही थी। थोड़े ही वक्त बाद उस छत पर एक लड़का आया। लाओ, कहाँ है हमारा गिफ्ट? ओहो, अंग्रेजी बोलने लग गई हो। रोहित ने उसको अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकाल कर पहनाई। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। दोनों चारपाई पर लेटकर आसमान में चमकने वाले चांद को देखते हुए बातें करने लगे। तभी एक अजीब सी बला उनके ऊपर से गुजर गई। रोहित, वो क्या था? कोई चाल हो सकती है। उन्होंने देखा कि वो घूमकर वापस उन्हीं की ओर आ गई। ये क्या है? वो छपाक से उनके सामने आ गई और उसने लीना का मुंह नोच डाला। उसने रोहित की दोनों आंखें अपने तेज नाखूनों से एक एक करके निकाल डाली और उनको किसी टॉफी चॉकलेट की तरह खाने लगी। लीना पास कांपते हुए ये सब देख रही थी। एक खौफनाक चीख के साथ रोहित ठंडा पड़ गया। ये देखकर लीना बेहोश हो गई। कुछ वक्त बाद जब लीना को होश आया तो छत पर रोहित और उसके घर वालों के साथ कुछ गांव वाले और पुलिस भी मौजूद थी। वो बेहद भयानक था। ऐसा अजीब सा जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके हाथ और पैर किसी छिपकली के जैसे पतले थे लेकिन उनमें जान बहुत थी। नाखून इतने तेज कि तलवार भी उनके आगे कुछ नहीं। जबड़ा किसी भेड़िये के जैसे था। आंखें बड़ी बड़ी थी। उसकी पीठ पर पंख था जिससे वो उड़ते हुए हमारी छत पर आ गई थी। पुलिस ने लीना का स्टेटमेंट लिया तो उसको पिछले वाले हादसे से इस हादसे का कनेक्शन नजर आया। धीरे धीरे अब यूपी के हर जिले में ये वारदात होने लगी। लोगों ने उसका नाम मुंह नोचवा रख दिया। अब उसकी दहशत इस तरह फैली कि 2002 में लोगों ने अपने घर की छत पर सोना ही बंद कर दिया। अब पुलिस भी रात को मुंह नोचवा का पहरा देने लगी थी। वो कुछ पुलिस वालों को भी नजर आता लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी दिल्ली गेट थाने में पहुँचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राजेश है और वो मुंह नोचवा मेरा बेटा है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? वो मोनूचवा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वो तो एक जानवर है। नहीं साहब, वो मेरा ही बेटा है। अब वो एक जानवर की तरह दिखने लगा है।
सिर्फ मेरी बेरहमी के वजह से आज से 8 साल पहले मेरे बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ था। उसके हाथ पैर पतले थे, आंखें फटी फटी थी, शक्ल बहुत ही बदसूरत। मुझे उसे देखकर गुस्सा आया था। जब वो बड़ा हुआ तो मेरी नफरत और भी बढ़ते रही। तब मेरी मुलाकात दिल्ली के एक साइंटिस्ट से हुई। उसने कहा कि वो उसे ठीक कर देगा। मैंने अपने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया। वो उस पर अपने दबाव के एक्सपेरिमेंट करके उसे ठीक करने लग गया, लेकिन ऐसा करने से उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसके जिस्म की ताकत बढ़ने लगी। एक दिन उसने उस साइंटिस्ट को मार दिया और वहाँ से निकल गया। मैं बात बात पर उसका मुंह नोच लिया करता था, इसीलिए शायद वो मुंह नोचवा बनकर अपने साथ हुए बेरहमी का बदला मासूम लोगों से ले रहा है। आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसे रोका नहीं गया तो पता नहीं कब तक देश को उसके दहशत के साये में रहना पड़ेगा। रात को तकरीबन 12 बजे राजेश अपने घर की छत पर पलंग बिछाए लेटा था। उसकी नजरें आसमान में किसी को ढूंढ रही थी। कुछ वक्त बाद उसको मुंह नोचवा का साया नजर आने लगा। वो बेचैन सा होकर पलंग से उठ गया और तभी मुंह नोचवा उसके सामने आ गया। वो उसको गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक से शांति भंग हुई और तभी मुंह नोचवा को 2 गोली आकर लगी और फिर कुछ पुलिस वालों ने उस पर आकर जाल भी फेंक दिया। गोलियां लगने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो चुका था और जाल की वजह से वो उड़ नहीं सकता था। जल्दी से इसको कस्टडी में लेने का इंतजाम करो। उसको एक स्पेशल कस्टडी रूम में रखा गया जहां बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी। उस टाइम कैमरा सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बस दिन में 2 बार उस कमरे में जाकर दूर से ही उसको देख लिया जाता था कि वो शेल में है या नहीं। सर, इसको हमने इतने दिनों से बंद कर रखा है, खाने पीने को भी कुछ नहीं दे रहे, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा और अब लगता है इसका पंख भी ठीक होते जा रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब इसका एनकाउंटर कर देंगे। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उसके कस्टडी रूम में गया तो उसके होश उड़ गए। जेल के 3 सरिये निकलकर जमीन पर पड़े थे और रूम की ऊपर की छत भी टूटी हुई थी। वो भाग चुका है, जल्दी से अलर्ट जारी करो। शहर में जब ये खबर फैली कि मुंह नोचवा भाग चुका है तो फिर से दहशत का माहौल हो गया। वो और लोगों को मारे, इससे अच्छा है मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। इस बार राजेश रात के वक्त बिना किसी को बताए अपने घर की छत पर गया और मुंह नोचवा के आने का इंतजार करने लगा। इस बार वो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने पिता के सामने पहुंच गया। बेटे, मुझे माफ कर दो। उसने तभी राजेश की आंखों में नाखून मार कर उसको अंधा कर दिया। उसने उसके चेहरे को इस तरह से नोचा और फाड़ा जैसे आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। राजेश को खत्म करने के बाद मुंह नोचवा फिर से हवा में गायब हो गया। कुछ वक्त बाद मुंह नोचवा ने कभी किसी पर कोई हमला नहीं किया और धीरे धीरे उसकी दहशत खत्म हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आसमान में उड़ते हुए उसे देखा गया है। क्या आपने भी कभी रात में किसी ऐसी बला को आसमान में उड़ते हुए देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दिन की शुरुआत शहर में हमेशा की तरह एक गर्म जोशी के साथ हुई। सड़कों पर गाड़ियां वैसे ही चल रही थी जैसे रोज चलती थी। बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, लोग अपने दफ्तर जा रहे थे। लोगों के दिल में बस इस बात की राहत थी कि बड़ी गर्मी के बाद बादल आए हैं और उस वजह से उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। देखा जाए तो लोग थोड़े बहुत खुश थे। उनकी खुशी को बहुत जल्द एक नज़र लगने वाली थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी मुसीबत उनकी जानिब तेज़ी से बढ़ रही थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दिन शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस आवाज के दरमियान शायद किसी परिंदे की चीखने की आवाज भी आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज बादलों की आवाज है
या फिर बादलों के ऊपर कुछ है जो नजर नहीं आ रहा है लेकिन चीख रहा है। इस आवाज की वजह से लोगों का तवज्जो बार बार बादलों की जानिब जा रहा था। तभी बादलों को चीरती हुई एक मखलूक नजर आती है जिसके दो पंख हैं। वो मखलूक मुंह फाड़ फाड़ कर चीख रही थी और उसके दांत साफ नजर आ रहे हैं। ये परिंदा है या कोई जानवर? ये खतरनाक है या फिर खतरनाक नहीं? इन सब बातों का किसी को इल्म नहीं था लेकिन इन सब सवालों के जवाब जल्द ही मिलने वाले थे। वो शैतान सड़क पर चल रहे एक अदना सा इंसान को उठा लेता है। सड़क पर कोहराम मच जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। किसी को इल्म नहीं कि उस शख्स का क्या हुआ जिसे उठाया गया था। लेकिन इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाता है। जब सड़क पर उसकी हड्डियां गिरती है तभी उस शैतान की आवाज आती है। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। कोई आज मरेगा तो कोई कल मरेगा। एक एक करके तुम सब मरोगे और तब तक मरोगे जब तक कि मेरा पेट नहीं भर जाता। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। हमारे मुल्क की पुलिस देर से आने के लिए बदनाम है लेकिन इस मर्तबा उन्होंने तेजी दिखाई। पुलिस के एक दस्ते ने शैतान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस अपनी गोलियां खत्म होने तक उस शैतान पर निशाना लगाती रही लेकिन इस सब का कोई अंजाम नहीं निकला। उस शैतान को इन गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक गोली उसके गले पर लगी जिससे थोड़ा बहुत नीले रंग का खून निकला लेकिन इसके अलावा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक मर्तबा फिर उसके हंसने की आवाज आने लगी। गोलियां तुम इंसान एक खास किस्म के अहमक हो। तुम उस मखलूक पर गोली चला रहे हो जो तुम्हारी गोलियों से नहीं मरने वाली। ये कहकर शैतान नीचे आता है और कुछ पुलिस वालों को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद उनकी हड्डियां भी सड़क पर गिरती नजर आती हैं। इस वाकये को देखकर खुसूसी दिफाई कमेटी की मुलाकात बुलाई जाती है जिसमें वजीर दिफा, आर्मी जनरल, पुलिस चीफ और कई दिफाई माहिरीन शामिल हैं। हजरत, मुझे सारी मालूमात दे दी गई। वजीर आजम से मुझे हुक्म मिला है कि शैतान को खत्म करने के लिए जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे मुहैया कराया जाएगा। शैतान को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। तो आप मेरी जानिब से बेफिक्र रहिए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपके पास परेशानी को हल करने का क्या मशविरा है। सबसे कबल मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ जनाब कि मेरे जवानों ने शैतान का बहादुरी से मुकाबला किया है। हम इस आफत से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाए पर एक बात का इल्म हमें हुआ है जो हमारे काम की है। जी फरमाइए, कौन सी बात है वो? जनाब ऐसा है, हमने इस पर पूरे पुलिस महकमे की गोलियां खाली कर दी पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर एक गोली उसके गले पर लगी और उसका खून निकला जो कि नीले रंग का था। मेरा यकीन है कि इस मखलूक के अंदर अगर कोई कमी है तो वो उसके गले में। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि पुलिस इसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आसमान में रहता है। इसके लिए हमें एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इजाजत है, बेफिक्र होकर फरमाई। जनाब, मेरी एक हवलदार का मानना है कि जब उस पर गोलियां चल रही थी तो वो आसानी से इसका मुकाबला कर रहा था और जब वो बादल के उस जानिब गया तभी उसके गले पर गोली लगी। इस बात से हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसकी कोई कमजोरी है तो वो उसके गले में है और शायद इस मखलूक को बादलों में कम नजर आता है। कबले, हमें ये तरकीब निकालनी होगी कि कैसे भी हम इसे शुमाल मशरिक की जानिब लेकर जाएं। और दूसरा, हमें शुमाल मशरिक का इलाका खाली कराना पड़ेगा ताकि जान और माल का नुकसान ना हो। मैं अभी हुक्म जारी करता हूँ कि शुमाल मशरिक को खाली करा लिया जाए और जहाँ तक इसे शुमाल मशरिक की जानिब ले जाने का मसला है उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या है जनाब? जनरल साहब, ये मखलूक खतरनाक है लेकिन इसमें एक कमजोरी और है जिस पर किसी का तवज्जो नहीं गया और वो कमजोरी है इसका गुरूर। आपने सुना तो होगा कि वो पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहा था। हम इसका मजाक उड़ाएंगे और उसे शुमाल मशरिक जाने की आजमाइश देंगे। पुलिस सड़क पर एक स्पीकर में इस मखलूक को आजमाइश दे रही है। स्पीकर से आवाज आती है। शैतान, 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 तूने कहा था ना कि सबकी बारी आएगी,
तेरी भी बारी आएगी। अबे हमारी फौज शुमाल मशरिक में है, जब वो आ जाएगी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर शैतान हंसता है और कहता है, अच्छा मजाक करते हो, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी फौज पर। कल रात तक तुम्हारी फौज मेरे पेट के अंदर होगी। तुम्हारी फौज को यहाँ आने में वक्त लगेगा, मैं खुद ही शुमाल मशरिक चला जाता हूँ, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। शैतान शुमाल मशरिक की जानिब रवाना हो जाता है। शैतान शुमाल मशरिक पहुंच जाता है और उसके उड़ान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अच्छे से देख नहीं पा रहा। उसी वक्त उसके पीछे एक मिसाइल आकर उसे लगती है। उसे समझ आ जाता है कि एयरफोर्स कब्ल से ही उसका इंतजार कर रही है। एकदम तभी एयरफोर्स के बहुत सारे जहाज उसके चारों सिमत मंडराने लगते हैं। वो इन सबको खत्म करना चाहता है और वो इन सभी लड़ाकू एयरक्राफ्ट को खत्म करने की ताकत भी रखता है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा। वो इधर उधर पंख हिलाने लगता है, लेकिन शैतान एक तरह से मजबूर नजर आ रहा है। तभी फाइटर एयरक्राफ्ट से निकला एक मिसाइल उसके गले पर आकर लगती है और गले से नीला खून बहने लगता है। तभी दूसरी मिसाइल भी उसके गले पर आकर लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है और फाइटर एयरक्राफ्ट उसके गले को निशाना बनाकर मुसलसल मिसाइल बरसाते रहती है। कुछ देर बाद ऐसा मालूम होता है कि शैतान खत्म हो चुका है। तब आर्मी के कुछ जवान हिम्मत करके उसके करीब जाते हैं और अब उसके अंदर कोई जान नहीं बची। पर आर्मी कोई खतरा नहीं ले सकती थी, इसलिए उसको आग लगा दी जाती है। और वो शैतान जो कुछ रोज कबल तक दुनिया की मौत का साया बना हुआ था, आज सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता राख में तब्दील हो रहा है।